असामाजिक गोष्ठी और दंगाकारी माने उत्तर प्रदेश में पुणि शासन को आसवा को प्रबल उद्यम चलाइछंती बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछंती। एक वर्चुअल रैली रे समाजवाद पार्टी नेता अखिलेश यादव को टार्गेट करी से कहिछंती जे 2014 पूर्व राज्य में गुंडा असामाजिक व्यक्ति प्रादुर्भाव रही दंगाकारी मानकर आधिपत्य रही किंतु आम उत्तर प्रदेश परिस्थिति को बदलवा सह आम प्रतिश्रुति पालन करूँ किंतु एवं पुणि असामाजिक गोष्ठी शासन को फेरवाक चाहते 5 वर्ष तले आम झील मैंने बाहर को आसवाक डरुले किंतु सरकारी सुरक्षा रही माफिया मैंने आराम बुलूले से पश्चिम उत्तर प्रदेश दंगारे जलुला सरकार उत्सव में माति गरीब और पछुआ लोकों जमी हड़प करवा एक साधारण कथा रही मोदी कहते किंतु मात्र 5 वर्ष योगी सरकार उत्तर प्रदेश को एसबुर मुक्त करते उत्तर प्रदेश चाषी व्यवसायी अधिकारी मैंने आराम बुलूंट योगी सरकार आईन श्रृंखला कौन ताहा देखाई बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते। और एक बात हम न भूले, मैं कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं, आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई, जो सोता रहता है ना उसको सपने आते हैं, जो जागता है वो संकल्प लेता है। योगी जी जागने वाले, जागते रखने वाले और इसलिए संकल्प करने वाले नेता है, यही फर्क है। यूपी के लोग तो पहले की सरकार में रहने वालों की बदनीयत को अच्छी तरह जानते हैं। इन लोगों ने भ्रष्टाचार और रियल एस्टेट माफिया का ऐसा गठबंधन कराया कि एनसीआर के हजारों फ्लैट फ्लैट खरीदारों के जीवन भर की पूंजी लूट गई। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे मध्यम वर्ग के भाइयों बहनों को हुआ, हमारे युवाओं को उठाना पड़ा। डबल इंजन की सरकार ने इस माफिया को खत्म करने के लिए रेरा कानून लागू किया है। इससे आज अपना घर मिलने में लोगों को आसानी हुई है। अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था भी की है। इनको अगर मौका मिल गया तो ये रेरा की व्यवस्था को भी खत्म कर सकते हैं। साथियों, एक तरफ भाजपा है जिसके पास विकास का स्पष्ट विजन है, साफ सुथरा ईमानदार और असरदार नेतृत्व है, वहीं दूसरी तरफ अहंकार से भरे, समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं। और ये है कौन? नकली समाजवादी है। विजन के नाम पर इनके पास सिर्फ विरोध है, गुस्सा है, आक्रोश है। इसलिए आज यूपी कह रहा है एक बार फिर गरीबों की सरकार, भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, सकाळ खबर।